नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो अभी आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ लेकर के आया है और हमें काफ़ी खुशी है कि इस तरीके का एक डिसीजन लिया गया। आप सभी लोगों को याद होगा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ग्रेट ईस्टर्न से रिलेटेड, उसके रिजल्ट से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ बनाए थे जिसके ऊपर आपको याद होगा कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। कुछ तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पता नहीं क्यों उछल उछल करके मरे जा रहे थे, जिनके ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। मैंने उन लोगों को एक लास्ट चांस भी दिया था कि भैया सॉरी बोल दो, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा, पर उनको उस समय समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या समझा रहे थे, जूता सॉरी बोलेगा और जो भी बोलेगा। आज सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या हुई है, काफ़ी सारे बच्चों के पास, अभी बच्चों ने अपने मेल्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। मैं यहाँ पे फिर से स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ और आप लोगों को पता होगा कि ये स्क्रीनशॉट देख करके कुछ लोगों को एक विशेष अंग में बहुत भयंकर आग लगती है कि अरे यार ये स्क्रीनशॉट क्यों दिखा रहा है स्क्रीन, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। स्क्रीनशॉट में आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा कि ग्रेट ईस्टर्न ने बोला है कि जो पुराने स्पॉन्सरशिप लेटर गए थे जिन बच्चों के पास, क्योंकि एक बच्चे का स्क्रीनशॉट ऐसे कई बच्चों के पास आया, जो पुराना स्पॉन्सरशिप लेटर गया था वो किसी कारणवश कैंसिल कर दिया गया है और अब नए स्पॉन्सरशिप लेटर्स आप सभी के पास में आएंगे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक डेफिनेटली उन्होंने कोई इंटरनल इंक्वायरी बिठाई होगी, हालांकि मुझे तो नहीं बुलाया था, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया था, बट आप सभी लोगों के सपोर्ट से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। एक्चुअली करियर मेरा नहीं था, करियर इंपॉर्टेंट तो आपका ही था और आपके करियर के बारे में मैंने ज़रूर थोड़ी सी आवाज़ उठाई थी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी थी और आप सभी लोगों के मिलने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि उन्होंने अपने रिजल्ट के ऊपर इंटरनल इंक्वायरी बिठाई होगी डेफिनेटली, ये मेरा मानना है ऐसा। और उसके बाद ये स्पॉन्सरशिप लेटर, जो पुराने स्पॉन्सरशिप लेटर दिए गए थे, वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। अब शायद नए स्पॉन्सरशिप लेटर आएंगे, अगेन किसको मिलते हैं किसको नहीं मिलती है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक काफ़ी सही जीत माना जा सकता है। इस बात को क्यों माना जा सकता है, क्योंकि हमने ये चीज़ रेज करी थी बहुत लोगों के रिजल्ट्स को देखते हुए, रेज की थी और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया। सबसे पहली चीज़ तो ये थी और एक्चुअल में जो एक अच्छा इंस्टीट्यूट होता है, जो एक अच्छी कंपनी होती है, वो लोग इसी तरीके के एक्शन लेते हैं। पहले सिनर्जी में भी एक बार ऐसा हुआ था कि सिनर्जी का रिटर्न एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ थी और कुछ बच्चों ने उनको मेल किए थे, उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उसके बाद सिनर्जी ने भी अपना एग्जाम कैंसिल करके दोबारा एग्जाम कराया था। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है, इवन IMCT में भी एक बार ऐसा हो चुका है लास्ट ईयर, नॉट दिस टाइम, इससे पहले वाले में, कि किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पे, गुड़गांव वाले सेंटर पे ही एक पेपर नहीं हो पाया था तो उसका दोबारा पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो किस तरीके के एक्शंस लेते हैं। अब दूसरी बात आती है, दूसरी बात ये आती है कि मैंने बताया था ना कि एक जेंटलमैन टीचर और एक छपरी टीचर में क्या डिफरेंस होता है, ये कंटिन्यूएशन काफ़ी दिनों तक चला था जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और मैंने आप सभी लोगों को बताया था। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे ये बोला था, उनके साथ में खड़ा रहा, उनके साथ में मैंने ये एक्शन लिया और फिलहाल हम लोग अभी एक लेवल ऊपर तो चले ही गए, कम से कम यहाँ तक तो पहुँच ही गए। तो यहाँ से ये ज़रूर पता चलता है कि जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं, उनके अच्छे के लिए हमेशा उनके साथ में खड़े रहते हैं, उनके सपोर्ट के लिए। हमें नहीं पता कि हमारे कितने बच्चे यहाँ से वहाँ जाएंगे, हमारे जो ऑफलाइन बच्चे थे करीब 16 बच्चे थे, 16 में से 15 बच्चों ने वहाँ पे स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू क्लियर किया था, मेडिकल क्लियर किया था। हम किसी का नाम भी नहीं अभी बताने वाले हैं, बाद में बता देंगे जब उनका सिलेक्शन हो जाता है या लेटर बना हुआ था। हमें ये नहीं था कि हमारे ही बच्चे ले लो, लेकिन हाँ ये है कि जो भी डिजर्विंग है उन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को लिया जाए, सच्चाई ये थी। जो छपरी होते हैं ना वो एक सेकंड में बोल देते थे, भैया देखो ऐसा है, हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये तो उन्होंने डिसीजन, ये सेम चीज़ NIOS के टाइप पे भी हुई थी। NIOS बोर्ड वालों को जब IMO ने बना किया था तब ये छपरियों ने ऐसे ही बोल दिया था, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो इनका लेटर आ गया, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया, हमने तब भी आवाज़ उठाई थी अपने स्टूडेंट्स के लिए। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे पेपर में तो इतना कुछ आता नहीं है। हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि स्पॉन्सरशिप का पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन स्पॉन्सरशिप के रिटर्न पे सब कुछ डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है इंटरव्यू पे और तीन चार चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, जिनकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी बात है। मैं सभी इंस्टीट्यूट जितने भी कंपनीज हैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं ये हर बार सेम ना रखा करें बल्कि बदल दिया करें, क्योंकि होता क्या है कि ये जितने भी छपरे टीचर्स हैं ये क्या करते हैं, चार छः सेट उठा लिए क्वेश्चंस के, उसके बाद वही रटवा दिए, वही रटवा करके छोड़ दिया। अब वो भाई जो डिजर्विंग कैंडिडेट है जो एक्चुअली मर्चेंट नेवी में जाना चाहिए वो तो पहुंच नहीं रहा है, अब वहाँ पे पहुँचते कैसे, इन्हीं के जैसे पहुँच जाते हैं जो एक्चुअल में थर्ड वेट बने नहीं है।
थर्ड मेट नहीं, एक और कैटेगरी होती है मैनेजमेंट कंपनीज में, क्या होता है वहाँ एक नई कैटेगरी चालू हुई जिसको जूनियर थर्ड मेट कहा जाता है, ठीक है, जो एडिशनल थर्ड मेट होता है जिसको पूरी सैलरी भी नहीं मिल रही होती है। अगर आप देखोगे तो अच्छी कंपनीज में जैसे EPS है या फ्लीट मैनेजमेंट है या सिनर्जी है, इनमें 2800 से 3600 के बीच में $2800 से $3600 मिल रहा है। लेकिन जो एडिशनल थर्ड मेट होते हैं ना, जूनियर थर्ड मेट, इनको उतने पैसे नहीं मिलते हैं। पर ये वहीं पर रोते रहेंगे, हमको तो डेक कैडेट का काम कराया जा रहा है, हमको तो फलाना कराया जा रहा है, ठिकाना कराया जा रहा है, क्योंकि तुमको डेक कैडेट की तरह ही लिया गया है, बस तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया गया कि तुम हो शिप पे। तो ये वो लोग होते हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं। देखो, जूनियर थर्ड मेट होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, धीमे 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 प्रोग्रेस सबकी होती है, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों का करियर खराब कर देना ये बहुत बुरी बात होती है। अगर आप टीचर हो और फिर आप टीचिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा कोई कॉम्पिटिशन जनरेट करे मुझे बड़ा मजा आता है, मैं तो बल्कि टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता हूँ। अभी मेरी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है देहरादून में, उनसे बात हुई तो मैंने उनको भी बताया था कि सर हम लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप भी अपनी कोचिंग क्लासेस में कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट कराओ ताकि बच्चों के फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर कुछ काम हो। तो ऐसे हम लोग अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करो ना, बड़ा मजा आता है कि मैं तो भाई ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ाओ। मैंने तो विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग स्टार्ट करी है, आप भी स्टार्ट करो। मैं तो वर्चुअल नेवी सुपर ह्यूमन का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी स्टार्ट करो। इस तरीके की चीज़ें करोगे जिससे बच्चे की वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, उसका काम करने का स्टैमिना डेवलप हो तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो डेवलपमेंट नहीं करते, वो क्या करते हैं, आओ मैं तुम्हें क्विक फिक्स दे देता हूँ, आओ कम पैसे में मैं तुम्हें 4 क्वेश्चन दे दूंगा उससे तुम्हारा हो जाएगा, केवल बर्बादी हो रही होती है। और ये इतने झूठे लोग हैं, इतने ज़्यादा झूठे लोग हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं है, ले देकर के बस एक बच्चे का रिजल्ट इन्होंने जो दिखाया था कि वो गड़बड़ हुआ था हमारे एंड से, जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि एंग्लो ईस्टर्न और TAY सेट मैंने 2 रिजल्ट डाले थे जिसमें से वो एंग्लो में सेलेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन इस बच्चे ने सबसे बड़ी गड़बड़ ये कर दी थी, इसने ये बात मुझे नहीं बताई थी, इसने ये बात कपिल को बोली, और कपिल के बाद इसको पता नहीं क्या पर्सनल यूज था जो इसने आगे जा करके इसको यूज करके दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में किया। क्योंकि अगर आप मुझे ये बात बोलते हो कि सर मैंने कपिल भैया को बताया था, उन्होंने इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये गड़बड़ है, आप इसको हटा दो, मैं डेफिनेटली हटा देता। मैंने कई रिजल्ट लास्ट ईयर हटाए भी थे, क्योंकि होता क्या कि जनरली जैसे बच्चे जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो कोई एक आध बच्चा आकर के हमें बता देता है कि सर उसका हो गया है, तो जब रिजल्ट बनाना होता है तो हम वैसे बना देते हैं, हमें ये मालूम तो होता नहीं कि किसी ने झूठ बोला, और जनरली बच्चे झूठ बोलते भी नहीं है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ऐसा हुआ था 1-2 बच्चों के साथ में, ठीक है। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा हुआ है और आपने कपिल को बताया और कपिल ने इसके ऊपर, क्योंकि तब तक रिजल्ट पब्लिश हो चुका था, कपिल ने अगर इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया तो मुझे बताओ इमीडिएटली कि सर ऐसा हुआ है और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक एक्शन लूंगा, लेकिन ये नहीं हुआ। और हमारा हमें इतना डिफेम कर दिया कि इनके सारे रिजल्ट फेक है, इनके तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। एक एक करके मैं सारी चीज़ों की पोल खोलूंगा, मैंने आप सभी लोगों को बताया था। अब देखो मैं आपको दिखाऊंगा कि रिजल्ट क्या होते हैं, पहली बात कैसे होते हैं, कैसे आए हैं, सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आगे पोल खोल अभियान जब शुरू होगा तो उसमें हमारी सिर्फ सच्चाई है कि हमारे कितने रिजल्ट आए थे, कितने स्पॉन्सरशिप में गए थे, कितनों ने IMUCT क्लियर किया था, सब एक एक चीज़ आएंगी विद डेटा आगे आने वाली वीडियोज़ में। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी सामने आएंगी, जैसे कि हम किसी बच्चे को डरा धमका करके सामने ले आए, ठीक है, ये जितने भी झूठ बोले गए थे कि हमने बच्चे को डराया धमकाया, रात में धमकियाँ दी, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, ये सब चीज़ें भी सामने आएंगी। ऐसे करके एक एक करके सब चीज़ें सामने आएंगी, गेट रेडी फॉर दैट। और मैंने बोला था कि मेरा लास्ट वीडियो आखिरी वीडियो नहीं है, मैंने बोला था उस टाइम पे कि आगे और वीडियोज आएंगे, तो आप सब लोग तैयार है ना, क्योंकि मुझे ये बताना है कि जो एक अच्छा टीचर, अगर मैं चुप बैठ गया ना तो ये चीज़ हो जाएगी एक अच्छे टीचर को किसी छपरी ने मुंह बंद करवा दिया, ये नहीं होने वाला है। एक अच्छा टीचर ये प्रूव करेगा कि वो अच्छा इसलिए है क्योंकि वो अच्छी चीज़ें पढ़ाता है, वो क्लास में वर्चुअली भी सुपर ह्यूमन की चीज़ें बताता है, वो बताता है कि इंटरव्यू की साइकोलॉजी क्या है, वो बताता है कि किसी चीज़ को रिवाइज कैसे करते हैं, रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जब हमने 15-16 साल तक NLP पे और अदर चीज़ों में काम किया, इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया, तब जा करके हम बता रहे हैं कि मर्चेंट नेवी वालों को क्या जरूरत होती है। ये डिफरेंस आपको आगे आने वाले वीडियो में डेफिनेटली पता चलेगा। तब तक हमारे जितने भी रिजल्ट के वीडियो आएंगे आप वो देखते रहना, उसके अलावा जो हमारे बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं, जो बच्चों के इंटरव्यूज हैं, वो भी आप देखते रहना, ठीक है। और कुछ और डाउट्स आते हैं तो हमारे पास कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर के करो, हमसे पूछो बताओ। और कुछ भी गड़बड़ हुआ या किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई आपको ऐसे फ़ोन करके बोलता है कि मुझे 5 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, हम डेफिनेटली उन लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।